वीडियो बना। खास तौर से गुलाब पार्क मुख्य रोड पर बैठने की अनुमति नहीं है। हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका ने आज गुलाब पार्क मार्केट किनारे धंधा लगाने वाले हॉकर्स पर कार्रवाई की है। मनपा का कहना है कि सिर्फ दुकानें P1 P2 के तहत खुलेंगी, मगर रोड पर धंधा लगाने वालों को नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है और ख़ासकर गुलाब पार्क मार्केट में जो भी भीड़ होती है वो ठीक नहीं है, इससे संक्रमण फैल सकता है। मगर वहीं हॉकर्स बेचारे अब जाएँ तो कहाँ जाएँ, उनके धंधा लगाने का कोई और पर्याप्त जगह नहीं है। 4 महीने से सभी दुकानें बंद थीं, हॉकर्स का धंधा भी बंद था। ऐसे में अब इनके पास बड़ी मजबूरी है कि आखिर ये हॉकर्स अपने परिवार का पेट कैसे पालें। दुकानदार तो P1 P2 के तहत अपनी दुकानें खोलेंगे, मगर वहीं गुलाब पार्क मार्केट पर जो धंधा लगाने वाले हॉकर्स हैं उनका दर्द कौन सुनेगा? क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या उनके परिवार नहीं हैं? मगर वही मनपा कर्मचारी भी करें तो क्या करें। मनपा द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है उसका पालन करते हुए मनपा कर्मचारियों ने गुलाब पार्क मार्केट में रोड पर लगाने वाले हॉकर्स पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में काफ़ी हंगामा भी हुआ। मनपा कर्मियों का कहना है कि बार बार हॉकर्स को हटा कर जाते हैं, मगर वो दोबारा आ जाते हैं, जिसके बाद मनपा कर्मियों ने कड़ा एक्शन लिया और इस दौरान एक महिला और मनपा कर्मियों के साथ छीना झपटी भी हो गई। इस महिला ने मनपा कर्मियों पर कई आरोप लगाए हैं। उसने गल्ले के पैसे लेने का आरोप लगाया, कान की बाली को लेकर आरोप लगाया और ये सभी आरोप बेबुनियाद है, पूरी तरह से गलत हैं, ऐसा मनपा कर्मियों ने जानकारी दी है। हालांकि हॉकर्स को बार बार मना करने के बाद हॉकर्स नहीं मान रहे थे तो मनपा कर्मियों ने कड़ा एक्शन लिया और उनके बेचने वाले सामान जैसे सब्जी, मछली और कई ऐसी चीज थी जो पलटी कर दी। मगर वहीं नगर सेवक सानू पठान का कहना है कि गुलाब पार्क मार्केट में रोड पर जो हॉकर्स बैठते हैं उन्हें नहीं बैठने दिया जाएगा, उन्हें अगर बैठना है तो वो मित्तल में जाकर बैठ सकते हैं। सानू पठान ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले देखें कि मनपा ने हॉकर्स पर किस तरह से कार्रवाई की है। ये तो मारे वो भी मार, ये तो मारे वो भी मार, वो भी मार,
कैसा है कि कुछ लोगों को आशंका थी कि दुकानों के बारे में क्या है, ऑर्डर क्या है, म्यूनसिपलिटी कभी आ रही थी नहीं आ रही थी, ऐसा भी बोलना था कि 2,500 रुपये टैक्स को दिया जाए, तो ये दुकानदारों का एक तरीके से बिजनेस शुरू नहीं हुआ तो 2,500 रुपये कहाँ से देंगे, हर दुकान वाला भी 2,500 रुपये टैक्स के नहीं कहाँ से देगा। इसीलिए माननीय गृह निर्माण मंत्री साहब से मेरी बात हुई थी और उनको बुलाया गया था, सभी लोगों की मांग थी तो उनको बुलाया गया, उन्होंने बुला के आपको साफ कह दिया कि किसी को 1 रुपये देने की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। फ्री में टेस्ट जो होता है वो हमारे आरोग्य केंद्र कौसा में श्रीवाजी नगर में शुरू है, वो लोग टेस्ट करा ले और ऑड इवन तरीके से जो दुकान है वो शुरू रहेगी। हॉकर्स के लिए बोला गया है कि जो हॉकर्स के मार्केट है उन पर लोग जाए, हॉकर्स को रास्ते पर बैठने के लिए अनुमति अभी नहीं है क्योंकि और क्राउड बढ़ जाता है, इसके मद्देनजर रखते हुए हॉकर्स को अभी रोड पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। हॉकर्स की मार्केट है कहाँ? हॉकर्स की मार्केट मित्तल में। मित्तल में तो बंद है। मित्तल में है ना, लेकिन वो भी तो बंद है ना, कहाँ खोलने? मैं वही बोल रहा हूँ, जो मार्केट का है वो मार्केट का ऑर्डर दे दिया गया उनको शुरू करने के लिए, लेकिन रास्ते पे नहीं लगाने दिया जाएगा हॉकर्स को, ये तय है क्योंकि ऑलरेडी दुकान है और दुकानों के बाद हॉकर्स तो डबल भीड़ हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में रोड पे हॉकर्स हैं, क्या वो मित्तल में जाके लगा सकते हैं धंधा? अभी हाल फिलहाल के अंदर जो मार्केट है उनको अनुमति दे दी गई है और रोड फिलहाल रोड के जो हॉकर्स वाले वो पहले से ही मित्तल में लगाते थे, लेकिन कुछ लोगों को आदत है कि मित्तल में भी लगाने का और यहाँ पे भी लगाने का, डबल धंधा करने के लोगों को आदत, तो ये अब तो पहले अलग मामला था, उमरा में भी केस, अब कोरोना को देखते हुए ये दुकानदारों का भी हम तकलीफ में नहीं जा सकते, इसीलिए आपके माध्यम से ये मेरी लोगों से अपील है कि जो दुकानदार है ऑड इवन तरीके से खोला जाएगा, अभी मिनिस्टर साहब ने भी आके बोल दिए, लेकिन हॉकर्स के लिए रोड पर बैठने की अनुमति नहीं। अगर रोड पे नहीं बैठेंगे तो मित्तल में जाके बैठ सकते हैं? अमृत नगर के दरगाह का मार्केट भी शुरू रहे, मित्तल में बैठ, अमृत नगर दरगाह का भी मार्केट है वो भी शुरू रहेगा, उसका टाइमिंग क्या रहेगा? उधर भी मार्केट है,
वो भी शुरू रहेगा, वो भी ऐसी मार्केट है, लेकिन रोड पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि जो यहाँ के हॉकर्स हैं वो मित्तल में बैठ सकते हैं, लगा सकते हैं? मित्तल में ऑलरेडी मार्केट है सर, है, लेकिन जो यहाँ है वो लोग जाके वहाँ लगा, वो कैसे लगा सकते हो? वो मार्केट वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मार्केट तो बंद है ना फिलहाल। कहाँ बंद है? उनको, उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ जो मार्केट है उनको शुरू करने के आदेश दे दिया गया, वो भी तो मार्केट है। हॉकर्स रस्ते पे नहीं आएगा, आप स्पष्टीकरण साफ बोल रहा हूँ, ये जहाँ रास्ता है वहाँ हॉकर्स को बैठने की अनुमति नहीं, और खासतौर से गुलाब पर, खासतौर से गुलाब पर मुख्य रोड पर बैठने की अनुमति नहीं।